विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शुक्रवार को पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्टेशन रोड विद्यालय के मैदान में संचलन से पूर्व स्वयंसेवकों द्वारा शस्त्र पूजन व उद्बोधन दिया गया। लय व ताल के साथ हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों का पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः स्टेशन रोड विद्यालय मैदान पहुँच सम्पन्न हुआ। पथ संचलन का शहर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बाड़मेर नगर इकाई की ओर से शुक्रवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इसको लेकर प्रातः 8:30 बजे हाईस्कूल मैदान में शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के पूजन के साथ हुई। इसके बाद संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने उद्बोधन दिया। शंखनाद कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने दंड योग, दंड युद्ध, नियुद्ध योग क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही घोष वादकों तथा घोष वादन का विशेष प्रदर्शन किया गया। वो एक प्रभावी हुआ करती थी, आज भी हमारे कुटुंब को देखने के लिए है। हम सब देखते हैं अपने संघ की शाखा, परम पूजनीय डॉक्टर जी ने जब शुरू की थी तो वो प्रकट रूप से व्यवहार के अंदर आता है। हाई स्कूल में कार्यक्रम के पश्चात प्रातः 10:45 पर संचलन रवाना हुआ। संचलन हाई स्कूल से नेशनल हैंडलूम, गांधी चौक, पुरानी सब्जी मंडी, पीपली चौक, प्रताप जी की प्रोल, आराधना भवन, कल्याणपुरा संघ स्थान, रतन मालू का मकान, जगदम्बा मंदिर, अहिंसा चौराहा, किसान छात्रावास, विश्वकर्मा सर्किल, माहेश्वरी चौक और अग्रसेन भवन होते हुए वापस हाई स्कूल में 11:44 पर पहुंचा। पथ संचलन में एक जैसे गणवेश में स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाकर शहरवासियों को अचंभित कर दिया। संचलन जहां जहां से गुजरा शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी ने भी पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सधे कदमों व अनुशासित रूप से चला संचलन देशभक्ति व राष्ट्रवाद की भावना का संदेश देता नजर आया।